नमस्कार, मेरा नाम है यशतना अकबाल और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़ का खबर 24। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। फरीदाबाद में एक तरफ जहां हरियाणा सरकार लोगों को मीठे पानी की सप्लाई के लिए रिनेलवेस योजना के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें पिछले करीब 6 महीने से सीवर का गंदा पानी टंकियों में आ रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारी और विधायक को शिकायत करने के बावजूद भी अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, और यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होता है तो वह हर घर के ऊपर फॉर सेल का बोर्ड लगा देंगे और यहां से मकान बेचकर चले जाएंगे। सफाई कराई जाती है, हर सप्ताह खर्चा होता है, सीवर का पानी घरों में घुस रहा है, बरसात में बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। पीने का पानी सीवर का आप लोगों के घर तक पहुंच रहा है? पीने का पानी तो इतना ख़राब है जनाब, मत पूछिए। अभी मैं बाल्टी भर के लाया था, उससे नहा नहीं सकते, धो नहीं सकते, रहना यहाँ पर दुर्भर हो रहा है। हम ये सोच रहे हैं यहाँ अपना मकान बेच के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, पर दूसरे जो लोग आते हैं, जो अपने डीलर्स आते हैं मकान दिखाने के लिए, वो यहाँ की पानी की समस्या को देखते हुए दूसरे बंदे भी यहाँ पर नहीं रहना चाहते। सर, मेहनत के पैसे से मकान लिया था? बिल्कुल, मेहनत के पैसे से अपना आशियाना होगा। परेशानी के पानी की समस्या से मकान बेचने पड़ रहे हैं, बेचने पड़ बहुत गंदा पानी आ रहा है, इतनी परेशान हो रही है जनता बेहद। अच्छा, तो लोग जो अभी हमने लोगों से बात की वो ये कह रहे हैं कि गंदे पानी की वजह से यहाँ से मकान बेचने के लिए तैयार है? अभी तैयार है हम तो, चवे सर तुम ही ले लो। परेशानी कितनी हो रही है इस गंदे? बेहद परेशानी है, सारी तो उपड़ गए, मुंह आ गया, एलर्जी होगी, अब कहाँ तक परेशान होंगे हम बताओ। और सीवर का पानी आ रहा घरों तक? हाँ। परेशानी क्या है वार्ड? परेशानी पानी की परेशानी है, गंदा पानी आ रहा, गटर का पानी आ रहा। कब से आ रहा है पानी? दो महीना है कम से कम। शिकायत की आप लोगों ने? खूब बड़ी चक्का जाम कर दियो कई बार तो, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं, कुछ नहीं। रोड जाम कर दियो, रोड जाम। अब ऐसे में लोग जो है मकान बेचने के लिए यहाँ से मजबूर है, मजबूर है, पानी पानी पी पी मरेंगे, अपने जाएंगे यहाँ से कहीं ना कहीं तो ठिकाना। तो आप पैसों से पानी खरीद कर पी रहे? हाँ जी, पैसों से पानी खरीद, पैसों से खरीद। लेकिन जो सरकारी जो सप्लाई आपके